चलिए आज हम लोग बात करते हैं जो बीबीए के लिए सेट एग्ज़ाम होने वाला है, जो सेट एग्ज़ाम बीबीए, बीएमएस, बीसीए एग्ज़ाम्स के लिए होने वाला है, बीएमएस एग्ज़ाम के लिए होने वाला है, उसके सिलेबस क्या है और क्वेश्चंस कैसे आ सकती हैं। तो सिलेबस की बात करें तो यहाँ पे सब्जेक्ट कितने होने वाले हैं, ये देखो यहाँ पर चार सब्जेक्ट है। पहला एक इंग्लिश लैंग्वेज होगा, दूसरा अगर हम लोग बात करते हैं रीजनिंग वर्बल अरिथमेटिक होगा, रीजनिंग के बाद हम लोग बात करते हैं जनरल नॉलेज होगा, जनरल नॉलेज और अवेयरनेस है, फिर कंप्यूटर बेसिक्स हो, ठीक है। अब इसके अंदर बात करें तो टोटल कितने क्वेश्चन है दोस्तों, 100 क्वेश्चन आने वाले हैं और टाइम कितना होगा, 90 मिनट्स यानी 1.5 घंटे आपके पास होंगे। मीडियम ऑफ एग्जाम क्या है, इंग्लिश, यानी पेपर इंग्लिश में होगा, मराठी में पेपर नहीं होगा बच्चों, याद रखिए पेपर इंग्लिश में होगा, और ऑनलाइन पेपर होगा यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, ठीक है। अब देखो ऑप्शन कितने आएंगे, 4 ऑप्शन आएंगे। एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग जरा भी नहीं होने वाला है, इसलिए ध्यान रखिए नेगेटिव मार्किंग जरा भी नहीं रहेगा, तो घबराने की जरूरत नहीं। तो दो चीज़ें आपको क्लियर हो गई भाई, पेपर कितने मार्क्स का है, 100 मार्क्स का पेपर है, कितने सेक्शन होने वाले हैं, कितने सब्जेक्ट रहेंगे, 4 सेक्शन है, इंग्लिश है, रीजनिंग है, जनरल नॉलेज है, कंप्यूटर है, ठीक है, ये 4 सब्जेक्ट हो गए। सबसे ज़्यादा कवरेज किसको मिलेगा, इंग्लिश को मिलेगा, 40 क्वेश्चन आएंगे 40 मार्क्स के लिए। मैथ्स का सेक्शन कितना रहेगा, 30 क्वेश्चन 3 मार्क्स, मैथ्स बोले तो पूरी तरह से मैथ्स नहीं रहेगा इसमें, 10वीं क्लास तक का सिर्फ मैथ्स रहेगा, याद रखिए सिर्फ 10वीं क्लास का बच्चों मैथ्स रहेगा, उसके ऊपर का मैथ्स नहीं रहेगा, 11, 12 का ट्रिग्नोमेट्री इंटीग्रेशन वगैरह नहीं पूछने वाला आपको। मोड ऑफ एग्जामिनेशन जैसे ऑनलाइन है, और पेपर किस में होगा, इंग्लिश। थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं सिलेबस, देखिए यहाँ पर हमको थोड़ा डिटेल में सिलेबस मिल जाता है। अब डिटेल में सिलेबस की बात करते हैं तो इंग्लिश सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूँ बच्चों, तो इंग्लिश के अंदर जैसे यहाँ पे देख सकते हो आप, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मतलब एक पैसेज आने वाला है, ग्रामर आएगा, वैकुबलरी आएगा, सिनोनिम्स एंटोनिम्स आएगा वैकुबलरी के अंदर। तो याद रखिए मेन चीज़ कवर क्या होगा, पैसेज है, ग्रामर है, और आपका वैकुबलरी के अंदर क्या रहेगा, यहाँ पे क्लियर बोला है सिनोनिम्स और एंटोनिम्स दोनों ही रहने वाला है, ठीक है। ये टोटल कितना है, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के लिए, एक क्वेश्चन पे 1 मार्क्स रहेगा। फिर रीजनिंग की बात कर लेते हैं जिसमें अर्थमेटिक मतलब मैथ्स भी सेक्शन जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर डायरेक्ट जो क्वेश्चन बोल रहा है क्लियर तो नहीं बोला है, मगर मैथ्स और रीजनिंग की अगर बात किया जाए तो इसके अंदर जो क्वेश्चन होती हैं, जैसे यहाँ पर होता है आपका मैथ्स का सेक्शन बोले तो परसेंटेज हो गया, 10वीं क्लास में आपने रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ा था वो चैप्टर हो गया, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, ये अर्थमेटिक का सेक्शन हो गया। इसी तरह अगर बच्चों मैं बात कर लेता हूँ रीजनिंग की, वर्बल और अर्थमेटिक हो गया ना, रीजनिंग एक चीज़ और क्लियर कर लेते, और क्या हो गया भाई, जैसे आपका ये हो सकता है कैलेंडर वाला क्वेश्चन होता है, और क्लॉक का क्वेश्चंस हो गया, फिर आपका क्वेश्चन जो ऐसे आते हैं जो आपका ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस होते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। जनरल नॉलेज अवेयरनेस के क्वेश्चंस जो रहेंगे इसमें, करंट अफेयर्स पूछ सकता है आपका, जो अभी हाल फिलहाल में जो चीज़ें चल रहा है, स्पोर्ट्स का पूछ सकता है जो हाल फिलहाल में चल रहा है, और साइंटिफिक इन्वेंशन या डिस्कवरीज जो हैं वो उसके बारे में पूछ सकता है। 15 क्वेश्चन आने वाले 15 मार्क्स के लिए। कंप्यूटर बेस का मतलब यहाँ पे बेसिक नॉलेज होगा कंप्यूटर का, ठीक है, बेसिक्स ऑफ इंटरनेट, कंप्यूटर का बेसिक जो शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म ये होता है, और किसके क्या काम होते हैं, जो बेसिक नॉलेज होता है, MSCIT अगर आपने किया होगा तो वो बेसिक नॉलेज आपको मालूम होना चाहिए, कंप्यूटर के क्या फंक्शन है उसके बेसिक, है ना, ये चीज़ें मालूम होना चाहिए, ये आप निकाल लोगे अगर बेसिक नॉलेज आपका अच्छा खासा है, 10वीं क्लास तक अच्छे से पढ़े कंप्यूटर तो निकाल लोगे, ठीक है। यहाँ पे लैंग्वेज वगैरह को नहीं पूछने वाला है, कवर जावा ये वो जो है ना, एडवांस जावा वो सब नहीं पूछने वाला है, समझे। तो यहाँ पे कोई लैंग्वेज के बारे में डिटेल में नहीं पूछने वाला कोई चीज़, ये घबराने की जरूरत नहीं, बस बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज पूछने वाला है। तो ये आपका सिलेबस था मैथ्स का, तो जल्दी चैनल पे मैं पूरा स्टार्ट करने वाला हूँ, पूरा सिलेबस पढ़ाऊंगा मैं, इंग्लिश भी पढ़ाऊंगा, रीजनिंग भी पढ़ाऊंगा, जनरल नॉलेज भी पढ़ाऊंगा। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसको भी ज्वाइन कर लो, जहाँ पे नोट्स वगैरह मिल जाएगा आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।